भाई अब हम आ चुके हैं अपनी तीसरी जगह जो कि है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और मैं आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में बता दूं, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसके कि अभी हम दर्शन करने आ गए। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये। भाई काफ़ी आइसोलेटेड है यार, मतलब बहुत दूर आना पड़ा, आसपास मतलब पूरा जंगल टाइप का रास्ता, काफ़ी मतलब आइसोलेटेड है ये, काफ़ी दूर भी है। तो फिलहाल चलते हैं अब दर्शन करने नागेश्वर महादेव जी के। और भाई आपको बता दूं, ये जो द्वारका से 16 किलोमीटर है, अगर आप द्वारका से आओगे तो 16 किलोमीटर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब चलते हैं अंदर दर्शन करने, इतनी भीड़ लग तो नहीं रही है बट फिर भी चलते हैं अब दर्शन करने। ये देखो कितनी बड़ी मतलब ये मूर्ति बना रखी है शिव जी की। तो ये कुछ कैंपस है, यहीं पे मतलब आप जूते वगैरह उतार दो। और ये टेंपल है, मंदिर की तरह भाई ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है। अब इस साइड चलते, शायद पहले इस साइड जाना है। इतनी मतलब भीड़ नहीं है और भाई इतना तो चलते क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं शिव जी। बस सामने टेंपल है, ये है भाई टेंपल, देखो तो सोमनाथ टेंपल की तरह लग रहा है। इसके अंदर अलाउड नहीं होगी वीडियोग्राफी ना, यहाँ तक तो लोग बना ही रहे। ये देखो यहाँ से आप समझो हवा हवा कितनी प्यारी चल रही है। तो भाई 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मेरे ठीक पीछे है। इसके बियॉन्ड भाई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, हवा बहुत चल रही है, थोड़ा आवाज़ मैनेज करना आप लोग। तो भाई ठीक पीछे मंदिर है, एंट्री है ये, बाकी फ़ोन वगैरह यहीं पे सबमिट हो जाएगा सब कुछ, लेकिन भाई एक तरफा है। देखो आप पीछे शिव जी कितनी बढ़िया मूर्ति बना रखी है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी मूर्ति है और ये मंदिर है। आ जाओ आप भी, आ गया था हर हर महादेव। ये भाई सामने ज्योतिर्लिंग है, भाई सामने ज्योतिर्लिंग है और फोन वगैरह थोड़ा अलाउड है तो हम भी थोड़ा बहुत बना रहे हैं। अंदर तो खैर नहीं बनाएंगे यार शिवलिंग की, लोकेशन यहाँ पर थोड़ा बहुत बनाएंगे। कौन सा लोकेशन? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, पता है सबको, वीडियो चलती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यस ब्रो आ जाओ, भीड़ तो है थोड़ी बहुत, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप भी निकल दो, ये है भाई सामने देखो, यहाँ पे दुकान वगैरह है भाई, सब मिलेगा, चले चलते खरीद सकते हो आप। भीड़ तो है यार, सामान खरीदने की फैसिलिटी भाई मंदिर के अंदर ही है तो बाहर से मत खरीदो, अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बड़ी दुकान है इस साइड भी उस साइड भी, तो अंदर से भी ले सकते हो, बाकी आपका मन है बाहर से भी ले सकते हो। सब मैं क्या बोल सकता हूँ, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। ज्योतिर्लिंग के बारे में ये है भाई, दर्शन कर लो आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के, दर्शन कर लो भाई। दीपन नंदी जी है, ये मंदिर है ना, नंदी जी है, काफी लोग लगे पड़े, शेरा वाली माँ। भाई ये हमने दर्शन कर लिया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के, अब हम जा रहे हैं अपनी अगली जगह, वो बताता हूँ आपको। तो भाई अब हम आ चुके हैं गोपी तालाब, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 165 गोपियाँ समा गई थी इस तालाब में, तो इसलिए इसको बोलते हैं गोपी तालाब। तो 165 की कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है, पता नहीं मतलब वो तो आप पढ़ रहे हैं, 165
गोपियां इस तालाब में समा गई थी, इसलिए इस तालाब का महत्व है। तो चलते अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो भाई यहाँ पे हमें ऑटो ने उतार दिया, मतलब यहाँ पे सामने ही है गोपी तालाब, यहीं पर है गुजराती रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे 120 रुपये थाली है, तो गुजराती खाना खा सकते हो। अरे ऑटो वाले ने बताया बढ़िया है ये, लिखा है लोग खा भी रहे। सामने ही जाना है, बैठ गए भाई हम। सेल सर्विस लग रही है ये तो, खुद ही ले लो भाई। तो ये है भाई बिल्कुल, मतलब यही गोपी तालाब के पास चावल दाल छोले कड़ी है, मिक्स सब्जी, ये आलू की सब्जी, रोटी चावल छाछ और ये पापड़। ये अनलिमिटेड है, 120 रुपीस अनलिमिटेड फूड, ये भी सही है। कैसा है योर रिव्यूज? अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चलो लिख दूंगा मैं नीचे फूड कैसा है। ऐसा है यार, कुछ फीलिंग तो नहीं आ रही है, मगर देखते हैं चलो अंदर क्या है। और यहाँ पे आपको राम नाम का तैरता पत्थर भी दिख जाएगा, ये है रुक्मणी मंदिर प्रवेश द्वार, ये लिखा हुआ है यार। अभी इधर तो दुकान है, अच्छा यहाँ है ना, आ जाओ। तालाब सा तो है यहाँ, ये रहा गोपी तालाब यार। अगर यहाँ पे मतलब नहाते होंगे या कुछ तो हो गई, आ जाओ। यहाँ पे ऐसा तालाब है, ये तालाब है और यहाँ पे मंदिर है बहुत सारे, तो लोग जाते हैं। ये वो तैरता पत्थर राम लिखा हुआ है। तो देखा यार हम, मतलब ना ठीक है, मतलब बहुत अच्छे छोटे मंदिर है, एक तालाब है, तो बाकी वैसा ये इतना मुझे कुछ लगा नहीं। खरीद सकते अगर आपको कुछ खरीदना वगैरह है, दुकानें बहुत है। तो हम जा रहे थे अपने आखिरी पॉइंट पे जो कि है बेट द्वारका। तो पहले क्या होता था ना, पहले नाव से जाया करते थे वहाँ पे, तो कुछ 20 रुपए उस पर किराया लगता था नाव से इस पार उस पर नजदीक है इस पार से। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये ब्रिज बन चुका है, मोदी जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है, सीलिंग ब्रिज। तो अब इसके थ्रू जाते बेट द्वारका तक, ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज भाई। वो ब्रिज बना है, पहला जगह ऐसे आता है, आप नाव दिख रही हो, इन नाव के थ्रू आपको ये क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन अब इस पुल के थ्रू क्रॉस कर सकते हो। ये जो पुल बन चुका है, तो ब्रिज बन चुका है, ये देखो आप, पहले इस तरीके से क्रॉस करते थे। देखो ये जा रही है बोट है, पहले क्या अब भी ये मुझे लगता है, मतलब अब कम हो गया है शायद या बंद हो गया पता नहीं, इस तरीके से आज कितना कमी हो गया है। अब आप इस ब्रिज से क्रॉस करोगे, देखो तभी ये लोग फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। देखो आप यहाँ पे लोग हैं। तो भाई ये जो बनी है ना ये पुल, इसको बोले सुदर्शन चक्र, कृष्ण जी का मोर का पंख भी बना रखा है, तो सुदर्शन चक्र ब्रिज बोलते हैं इसको। कृष्ण जी का मोर का पंख देख सकते हो आप। तो ये आ चुके हैं भाई हम बेट द्वारका। यहाँ पे मतलब देखो पार्किंग वगैरह है, ऑटो वगैरह खड़े हैं। तो जो द्वारकाधीश टेम्पल है ना, वो भगवान का ऑफिस है और ये भगवान का घर है बेट द्वारका। तो आगे यहाँ पे एक सोने की द्वारका भी, इसमें कुछ टिकट वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर हम आ गए भगवान कृष्ण जी के घर बेट द्वारका, और द्वारकाधीश मंदिर है वो है उनका ऑफिस। तो ऐसा मतलब हमारे ऑटो वाले ने हमको बताया, बाकी अपने भाई लोग को जा ही रहे हैं।
हम भी उन्हें फॉलो करते हुए जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुछ 33-34 किलोमीटर है भाई ये द्वारकाधीश मंदिर से, कुछ 33-34 किलोमीटर काफ़ी दूर हो जाता है यार, तो यहाँ बहुत दूर है भाई। खैर इसलिए हमने ऑटो वगैरह कर लिया, 200-250 रुपये लिया हमसे, मगर 200-250 रुपये वर्थ है भाई। और अब चलते हैं, सामने ही है, तो ये जात हो रहे हैं लोग यहाँ से आ रहे हैं, पूरा मतलब रास्ता सा बना रखा है सामने जाता है। ये है भाई वो विश्व दर्शन चक्र ब्रिज, जो मतलब पार करके आप यहाँ बेट द्वारका आते हो, तो ये है मंदिर। डोनेट कर सकते हो कैटल फीड के लिए, ये मंदिर में जाने का रास्ता। ये भीड़ देखो आप इतनी, वही लाइन लगी पड़ी है, ये देखो बहुत भीड़ है, ये देखो जल्दी से आओ। लेकिन भाई यहाँ पे जमा होगा, फोन अंदर अलाउड नहीं है, 5 रुपये, तो 5 रुपये देके आप यहाँ जमा करवा सकते हो। और ये मंदिर की लाइन है, ये बिल्कुल यहीं पर है, ये एंट्री पे, एंट्री करोगे आप सिंगल लाइन बगल में करना होगा ना, ऊपर क्या कर रहे हैं भाई। लो यहाँ तो शुरू हो गया भाई, बांसुरी सुनो आप, बांसुरी यार भाई फॉर्म में आ गए हमारे, बांसुरी बजा रहे हैं यहीं। ये मंदिर है, इतना भीड़, और इसी का बगल से कहीं जा रहा है रास्ता, यहाँ चलते हैं। तो भाई अब हम आ चुके हैं पुराने रास्ते में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब ब्रिज बन चुका है, तो अगर वो ब्रिज नहीं होता ना तो आप इसी रास्ते से आते हो, इसी रास्ते से जाते मंदिर। जैसे बोट्स खड़ी है, मतलब काफ़ी ठंडा पड़ गया है, लोग आ रहे हैं। खैर कुछ अब सब रोड से है, सामने ही मेरे, मैं दिखाता हूँ देखो आपको। ये देखो यार पहले इस तरीके की बोटों में भरी मिलती थी, बोटों का रास्ता यही था, तो पूरा पार करके आ रहा पड़ता था, लेकिन जब से ब्रिज बना, तो कितना बड़ा ब्रिज बना है भाई, ये यहाँ से स्टार्ट है, ये देखो वो वहाँ तक है। जब से थोड़ा काम थोड़ा ठंडा पड़े, फिर भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं अभी। ये देखो ये है वो ब्रिज, द्वारकाधीश चक्र ब्रिज जो भी मतलब इसका नाम है। झंडा हवा वगैरह चल रही है, यहाँ उतरते हैं मतलब इस पॉइंट पे उतरते हैं और यहाँ से जाते हैं मंदिर। ये तो भाई जब भी आप मंदिर के दर्शन करने आते हैं इस पॉइंट पे भी आ जाना, तो देख लो ना, वैसे ही पॉइंट बहुत अच्छा है यार, चना मतलब मस्त हवा चलती है, बढ़िया लोकेशन हो। जब आओगे पास में होगा 100-150 मंदिर के, 100-150 मीटर अब मंदिर के साइड से रास्ता गया, लोग जा रहे होंगे आप देखो, मस्त है भाई अपना सुनना। अब चलते हैं भाई, और ऑटो वाला हमारा वेट कर रहा है यार, बहुत टाइम हो गया। एक कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट डाउन कर देना कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो भाई आप खतरों के खिलाड़ी कर लोगे आप, ये देखना खतरों के खिलाड़ी भाई, खतरनाक भाई खतरनाक, झूल लिया रस्सी।